हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बुकलेट खोल के रख लो, बुकलेट खोल के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल को डायरेक्टली डिफाइन नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, दोनों बातें। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम आपसे कहते हैं बेटा मत करो कोई काम, और दूसरा सेंटेंस तुम कर ही नहीं सकते हो। फर्क है कि नहीं? तो यहाँ दोनों एक ही है। पोटेंशियल को डायरेक्टली डिफाइन करते नहीं हैं या वो लोग कर नहीं सकते हैं। हम पोटेंशियल डिफरेंस को पहले डिफाइन करेंगे, पहले परिभाषित करेंगे, तब पोटेंशियल आता है। याद रहेगा, मैंने कहा मैं पावरफुल हूँ, मतलब किसी कमज़ोर को देखा है भाई, यही तो मतलब है। कोई दुबला पतला आदमी मुझे मिल गया और मैंने डायलॉग मारना शुरू कर दिया मैं बहुत पावरफुल हूँ, अभी दूसरा कोई मिल गया तो नहीं, अपन बहुत वीक है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पहले ये बताना पड़ता है जीरो कहाँ पर है। क्या बताना पड़ता है? ज़ीरो कहाँ पर है ये पहले मेंशन करना पड़ता है। चलिए बात नहीं करेंगे, शुरू करें। ये देखिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर आप ए से बी, अगर आप ए से बी किसी चार्ज को लेकर के चलें, वर्क डन कितना है? डब्लू है। अगर आप ए से बी किसी चार्ज को लेकर के चलें, वर्क डन डब्लू है, तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए W अपॉन Q होगा कि नहीं होगा? याद रहेगा, पोटेंशियल ऑफ B बाद वाला हो गया पोटेंशियल, ये पहले वाला, फाइनल माइनस वर्क डन अपॉन चार्ज। याद रहेगा, अगर मान लीजिए क्या करते हैं, A को कहाँ ले लेते हैं? इन्फिनिटी पर ले लेते हैं, तो VA बराबर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। अगर A कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है, तो VA बराबर क्या हो गया? बोलो, ज़ीरो हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो VA बराबर हमने ज़ीरो कर दिया, और जैसे VA बराबर ज़ीरो करेंगे तो VB बराबर क्या मिलेगा? W बाई क्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, VB बराबर क्या मिलेगा? W बाई क्यू। अगर हम Q को 1 कूलम कर दें, अगर Q को 1 कूलम कर दें, तो VB हमारा W के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? ये तरीका है, VB बराबर है W के आएगा। आया समझ में कि नहीं आ रहा? फिर से सुनिए सुनिए, अगर इन्फिनिटी से किसी 1 कूलम के चार्ज को लाएं, ला कर के किसी पॉइंट पर रख दें, तो जितना वर्क डन होता है वो पोटेंशियल के बराबर होता है। यही तो परिभाषा बनी कि नहीं बनी? बोलो, ए कहाँ माना गया है? इन्फिनिटी पर। तो ए वाले पॉइंट से लेकर के किसी भी 1 कूलम के चार्ज को आएँ, ला कर के रख दें, पोटेंशियल है ना बराबर हो। ये इसकी डेफिनेशन हो। तरीका समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर से सुनो, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए से बी किसी क्यू चार्ज को ले गए, कितना वर्क किया? डब्लू। वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। याद रहेगा, ए कहाँ चला गया? इन्फिनिटी। तो वी ए बराबर ज़ीरो, तो वी बी बराबर डब्लू अपॉन क्यू, क्यू बराबर 1 कूलम, तो वी बी बराबर, बात खत्म हो गई। याद रहेगा, तो 1 कूलम का चार्ज कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी से लाना है। लिख देते हैं क्या है। देयरफोर वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to a point inside the field, is equal to the potential, is equal to the potential। ये हमारा पोटेंशियल के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल। बना ले, इन्फिनिटी से लाना है
और ला कर के रख देना है, जितना वर्क डन होगा वो पोटेंशियल के बराबर आएगा, द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल। ठीक भाई, एक बात अपने को इतनी देर में समझ में आई कि पोटेंशियल निकालने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा जीरो कहाँ है। जहाँ पर जीरो होता है इस बात को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं? याद रहेगा, क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। बात को समझो, क्या नाम दिया जाता है इसका? रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ रहा, डिफरेंस निकालोगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो रेफरेंस पर डिपेंड करेंगे, लेकिन डिफरेंस अगर इनका निकालोगे तो नहीं करेंगे। उल्टा तो नहीं बोला था पहले? नहीं ना, डिफरेंस अगर निकालोगे तो जैसे मान लो वी ए माइनस वी बी करना है या वी बी माइनस वी ए करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो कहाँ है। समझ रहे हो ना? गॉट इट? मैंने क्या बोला, अगर आपको सिर्फ वी बी माइनस वी ए कहा जाए निकाल लो तो आपको ये बताने की आवश्यकता ही नहीं कि जीरो कहाँ पे है, आप सीधे डिफरेंस निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको क्या करना है, वी ए निकालना है या वी बी निकालना है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा जीरो कहाँ है। समझ में आ रहा? एच सी वर्मा में ऑब्जेक्टिव टू में ये चीज़ दी हुई है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ? इसका मतलब कहीं क्वेश्चन आया है ना? बहुत कंजूस आदमी है अपन भाई, जितना पैसा मिले उतना बोलो। नहीं समझ में आ रहा? लेकिन अगर कुछ बार बार बोला जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि उसमें कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, उस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, सुनना है। क्या है? नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है जहां पर आपने जीरो लिया हुआ है, इन्फिनिटी हमारा यहाँ पर रेफरेंस है। इन्फिनिटी यहाँ पर क्या है? तो इन्फिनिटी रेफरेंस है। इन्फिनिटी से आप लेकर के आए और ला करके रखा, जितना वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? पोटेंशियल के बराबर होगा, दैट इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल। वो हमारा पोटेंशियल के बराबर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों आपके सामने हैं। इन्फिनिटी से लाएं, ला कर के रख दें, तो जितना वर्क डन होता है वो पोटेंशियल के बराबर होता है। आया समझ में कि नहीं आया? अब जो कहा गया है वो करना भी है। जैसे मान लो यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा है, पॉइंट चार्ज, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट स्मॉल पी है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई स्मॉल पी पॉइंट है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लें, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर के आएंगे ऐसे, टी इक्वल टू ज़ीरो पर। ये कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। मान लो टी इक्वल टू ज़ीरो पर कहाँ है? ये इन्फिनिटी पर है। ये अब होगा क्या यहाँ पर कि धीरे धीरे आगे बढ़ा, थोड़ी देर के बाद यहाँ आ गया। ये मान लो कितनी डिस्टेंस पर है, ये हैं एक्स डिस्टेंस पर है, ये टी टाइम पर आ गया। कब आ गया? टी टाइम पर आया कि नहीं आया? पहले टाइम कितना था? ज़ीरो। अब कोई टाइम टी है, याद रहेगा, इसको इंस्टेंट बोलते हैं, एक्चुअली टाइम नहीं बोलते, इंस्टेंट बोला जाता है। तो किसी इंस्टेंट, किसी क्षण पर, हिंदी में अपन ज़्यादा माइन्यूट बात करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? क्षण, पल, घड़ी, है ना, ये मेजरमेंट थे टाइम के, है ना। उल्टा लटका देंगे। तो टी बराबर क्या है? ज़ीरो है, है ना, टी बराबर ज़ीरो है, और ये हमारा क्या है? टी है। अब यहाँ क्या हो रहा है भाई? अगर यहाँ पर देखें तो इसमें फोर्स कितना लग रहा है इधर की तरफ, बोलो? ये लगेगा, कितना फोर्स लग रहा है भाई लोग? ये लग रहा है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन क्या है? एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? बोलो, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ये क्या लग रहा है बताओ? फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दैट इज
द वैल्यू ऑफ फोर्स, ये किस पॉइंट पर है बताओ, एक्स डिस्टेंस वाले पॉइंट पर है कि नहीं। अब अगर आपने थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, मान लो डी एक्स थोड़ा और आगे बढ़ाया इसको अगर, तो क्या होगा इसमें डी डब्ल्यू कितना निकलेगा बताओ, ये कितने डिग्री का एंगल है 180, तो ये आएगा माइनस एफ डी एक्स, तो ये आएगा माइनस के और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा, ये हमारा डी डब्ल्यू आएगा। नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई यहाँ पर फोर्स लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट आपने कहाँ कर दी आगे की तरफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 180 डिग्री का है। अगर 180 डिग्री का एंगल है तो क्या करोगे बोलो, ये आएगा माइनस एफ डी एक्स होगा, तो यहाँ से वर्क डन क्या निकलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के स्मॉल क्यू है ना कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक होगा। इन्फिनिटी से कहाँ तक आएगा बताओ, आर। फाइनल पोजीशन क्या है बताओ, आर है कि नहीं, फाइनल पोजीशन कहाँ पे ला के रखना है, आर पे रखना है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करोगे तो माइनस के और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आएगा, एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स आएगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी से आर तक आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, ये देखो ये क्या मिला भाई, ये मिला माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन इन्फिनिटी से क्या होगा, आर आएगा, ये माइनस वन आएगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वन अपॉन एक्स आएगा ये इन्फिनिटी से आर। अरे भाई एक्स की पावर माइनस वन आएगी, नीचे ले आएंगे प्लस वन होगा, लिमिट रख देंगे तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, ये वर्क डन है, ये तो जीरो आ जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन क्या होगा, तो V का क्या फॉर्मूला है, W बाई क्यू है, तो K कैपिटल Q अपॉन R है कि नहीं, ये छाप, ये जो है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या है ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हेडिंग डालना चाहे हेडिंग डाल सकते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ जो है डी डब्ल्यू होता है एफ डॉट, डी आर होता है, डी एक्स होता है, जो भी है, तो ये डॉट हटाओगे तो वर्क डन, क्लियर है कि नहीं, ये इतना वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स किया गया है, ऐसे बोलोगे, क्या बोलोगे, इतना वर्क डन किया गया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए किसी एक का, मान लो किसी का भी लोग, एक का माइनस बोलोगे, एक का क्या बोलोगे, प्लस, हो गया। तो यहां से देखो दो फॉर्मूले हमें मिले, तो वर्क डन का मिला, यही फॉर्मूला आगे चल के एनर्जी बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा यहां पर जो फॉर्मूला वी का मिला है पोटेंशियल का, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, किसकी वजह से, कैपिटल क्यू की वजह से, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल कहां पर, पॉइंट पर, किसकी वजह से, कैपिटल क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी की वजह से होता है ना, पोटेंशियल किसी की वजह से होता है, फोर्स आपस में दोनों की वजह से होता है, कोई कहे कि मैं लड़ा लेकिन मैं शरीफ था तो ये झूठ बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये म्यूचुअल काम है, क्यों, अगर मान लो तुम ना चाहते तो लड़ाई ना होती, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गलत कह रहे हैं बताओ, तुम ना चाहते तो लड़ाई ना होती, कोई कहता नहीं हमारी गलती नहीं थी, तो गलती तुम्हारी नहीं थी लेकिन तुम पार्टिसिपेटिंग थे उसमें, यू आर द पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, तो वहाँ पर आपने पार्टिसिपेट तो किया है ना, तो फोर्स जो लगता है वो दो में लगता है, फील्ड जो है किसी पॉइंट पर निकाला जाता है किसी की वजह से,
है ना, पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकाला जाता है किसी की वजह से, बात को समझो जो मैं कह रहा हूँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी की वजह से निकाला जाता है किसी पॉइंट पर, है ना, किसी वजह से, बाय रीज़न, कोई रीज़न है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, कोई रीज़न है उसकी वजह से निकाला जाता है। तो यहाँ पर रीज़न है क्यू, कैपिटल क्यू, ये पॉइंट चार्ज जो है रखा हुआ है, इसकी वजह से हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालते हैं। अब देखो यहाँ से ग्राफ बनाएंगे तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आएगा, क्यों भाई, और ये ग्राफ आपका हाइपरबोलिक है, और अच्छे से बोलना चाहो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, पावर वन है। हाँ, तो रेक्टेंगुलर का मतलब बताया था कि जब ग्राफ आप दो एक्सिस के बीच में बनाएं और दोनों तरफ से बराबर वो रहे, ये, और ये कैसे रहेगी, जब दोनों की पावर क्या होगी, वन, ये देखो वन वन है कि नहीं इनवर्स में, तो अपने आप डिस्टेंस बराबर आ जाएगी, क्लियर है कि नहीं। तो ये यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वर्ड यूज़ करने लगते हैं, है ना, वो शब्द का इस्तेमाल तभी करेंगे जब पावर वन होगी, बढ़ने लगेगी तो कर्वेचर बढ़ेगा, फिर स्लोप बदल जाएगा, ठीक है, स्लोप चेंज होने लगता है। तो कुल मिलाकर के क्या है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है ना, ग्राफ जो आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, हालांकि कोई पूछता नहीं है कि रेक्टेंगुलर है कि नहीं है, वो हमें लगता है कि दिमाग में पूछ लिया तो, या किसी ने ये बात डाल दी होगी दिमाग में तो लगता है, अदरवाइज सिर्फ वो हाइपरबोला से काम चल जाता है। अगर आप सिर्फ हाइपरबोला भी याद कर लेंगे तो आपका काम चलेगा, और हाइपरबोला कब बनता, मैंने एक दिन बताया था, मैंने कहा था कि जब इनवर्स रिलेशन होता है तो हाइपरबोला वाला ग्राफ बनता है, क्लियर है कि नहीं, कौन सा ग्राफ बनता है, हाइपरबोला। अब इतनी देर में हम लोगों ने दो फार्मूले सीखे, पहला फार्मूला हम लोगों ने सीखा डेल्टा वी डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो W इक्वल्स टू क्यू डेल्टा V होता है, पहला फार्मूला सीखा, क्यों, और यहाँ याद रखिएगा वर्क डन पॉजिटिव होता है कब, जब एक्सटर्नल है, और वर्क डन निगेटिव होता है कब, जब बाय द फील्ड होता है, याद रहेगा, अगर फील्ड वर्क करेगा तो क्या होगा, बोलो, निगेटिव, और अगर एक्सटर्नल होगा तो पॉजिटिव वर्क आ जाएगा। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने सीखा V इक्वल्स टू K और Q अपॉन R, सीख लिया कि नहीं सीख लिया, और K की वैल्यू भी आपको याद है ना, भूल तो नहीं गए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, और या CGS सिस्टम में जाओगे ESU में तो 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम का स्क्वायर, यही तो होता है कि नहीं होता, तो ये हमने आपको बताया था। तो ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया, ये फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल का हो गया। तो V बराबर है K और Q अपॉन R, V इक्वल्स टू K और Q अपॉन R, ये आपका पोटेंशियल हो गया। कंप्लीट, बताइए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो लोग पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उनको समझ में आया है ना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ चुके हैं पहले से वो तो अलग बात हो गई, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको आया समझ में, कौन कौन लोग थे जो नए हैं, हाँ बहुत लोग हैं, अरे बहुत लोग, तो समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से आया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो पहला कॉन्सेप्ट मैंने हमेशा कहा CFN, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसे डिफरेंस निकालना, कैसे पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला क्या है वो समझ में आ गया, अब न्यूमेरिकल लगाने, बात खत्म हो गई है ना। अब कॉन्सेप्ट को पकड़ के लटके नहीं रहना है,
मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा, कहीं ना हो जाए बैठे रहने, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने भर से कुछ नहीं होगा, वो पहला स्टेप है। वो पहला स्टेप है कि कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसके पीछे का लॉजिक भी सीखें, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है फॉर्मूला आया, उस फॉर्मूले को आप याद कर लें, उस फॉर्मूले को लगा डालें। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ये तो V बराबर है के क्यू अपॉन आर, ये वैल्यू। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, ये Q है, ये माइनस टू क्यू है, R डिस्टेंस है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? अब ये पूछा गया है कि बताइए कहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा। क्या पूछा गया है? कहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, इस लाइन में पोटेंशियल कहाँ पर ज़ीरो हो। पोटेंशियल इज़ ज़ीरो एट वी ज़ीरो पूछ रहा है, और पोजीशन कहाँ पर है ये पूछ रहा है ना। तुम्हारा गायब है ना, मैंने कहा था चेंज कर लेना। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल ज़ीरो कहाँ पर होगा ये पूछा जा रहा है, वेयर द पोटेंशियल इज ज़ीरो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं, एक ऐसा पॉइंट बनाते हैं जहाँ पर पोटेंशियल मान लो सी है, ठीक। यहाँ मान लिया वी ज़ीरो, ये डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स, ये कितनी आर माइनस एक्स आ गया। ये वाली डिस्टेंस कौन सी है एक्स, और ये वाली कितनी है। अब इस प्लस वाले ने कितना पोटेंशियल यहाँ डेवलप किया बताओ, है प्लस वाले ने कितना किया के और क्यू अपॉन एक्स, माइनस वाले ने कितना डेवलप कर दिया माइनस के और टू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स, कर दिया कि नहीं कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, v बराबर होता है v1 प्लस v2, हो गया। तो यहाँ से क्या मिला k q और 1 अपॉन x माइनस कितना आएगा बोलो, यहाँ पर या सीधे जीरो कर दो ना दोनों को ऐड करके। अब यहाँ पर क्या करोगे, जीरो करना है दोनों को मिला करके, क्या होगा जीरो इक्वल्स टू k q अपॉन x माइनस टू क्यू अपॉन के तो है ही है, और r माइनस एक्स इसको यहाँ ले आओ तो k टू क्यू अपॉन r माइनस एक्स k क्यू अपॉन एक्स, ये है k टू क्यू अपॉन r माइनस एक्स, k कट गया q से q कट गया, टू अपॉन r माइनस एक्स वन अपॉन एक्स, तो टू एक्स बराबर r माइनस एक्स कितना होगा x इधर ले आओ, 3x इक्वल टू आर, तो x कितना हो गया r बाई, नोट कर लो इसको, ये है। यहां पर पोटेंशियल जीरो होगा और इसकी डिस्टेंस क्या होगी r बाई थ्री फ्रॉम q, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r बाई थ्री फ्रॉम q, q वाले पॉइंट से r बाई थ्री डिस्टेंस पर होगी ये वैल्यू। अब आप देखिएगा इसी डायग्राम में ये q है, ये माइनस टू क्यू है, r है, a और b है। ये जो पॉइंट आपने c उधर बनाया था ना, उसको आप इधर भी बना सकते हो, आप यहाँ भी बना सकते हो। कैसे, ये वाली डिस्टेंस x हो गई क्या। अब ये देखो इसने कितना पोटेंशियल डेवलप किया k q अपॉन x है ना, माइनस कितना आएगा k टू क्यू अपॉन आर प्लस एक्स, नहीं समझ में आ रहा। अगर पॉइंट तुमने किनारे ले लिया तो इधर से कितना एक्स, इधर से कितना बढ़ गया ना, तो आर प्लस एक्स हो गया। अब इसको उठाकर यहाँ ले आओ के टू क्यू अपॉन आर प्लस एक्स इक्वल टू क्या आएगा के क्यू अपॉन एक्स, के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया, तो ये आएगा टू एक्स बराबर आर प्लस एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो गया आर आ गया कि नहीं आ गया। x बराबर कितना हो गया भाई
आर हो गया कि नहीं हो गया? एक्स की वैल्यू क्या आ गई बताओ? आर हो गई। क्यों? इसका मतलब आर बाई थ्री पर भी ज़ीरो है, आर पर भी ज़ीरो है। ये कौन सी कहानी है? कहानी ये है कि पोटेंशियल मोर देन वन पॉइंट पर ज़ीरो हो सकता है। क्यों? पोटेंशियल क्या हो सकता है? मोर देन वन पॉइंट पर ज़ीरो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? एक बात क्या पता चली, पोटेंशियल एक से ज़्यादा पॉइंट पर ज़ीरो हो सकता है। पोटेंशियल एक से ज़्यादा है ना पॉइंट्स पर पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है। एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर ज़ीरो हो सकता है। एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर ज़ीरो हो सकता है, याद रहेगा। पोटेंशियल एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर ज़ीरो हो सकता है। बात को समझिए, पोटेंशियल एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर ज़ीरो हो सकता है। पोटेंशियल एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर ज़ीरो हो सकता है। आया समझ में? पोटेंशियल एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर ज़ीरो हो सकता है। यहाँ पर पॉइंट आ रहा था आर बाई थ्री डिस्टेंस पर, ये आ रहा है आर डिस्टेंस पर। इनको आप अगर मिला दें ऐसे, इनको आप अगर मिला देंगे तो सर्किल नहीं इलिप्स बनता है, दीर्घ वृत्त बनेगा, इलिप्स बनता है, याद रहेगा। इस इलिप्स के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे सब पर पोटेंशियल ज़ीरो होता है, ध्यान रखिएगा। एक से ज़्यादा पॉइंट पर ज़ीरो हो सकता है भाई। यहाँ भी एक पॉइंट निकाला जा सकता है, यहाँ भी निकाला जा सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे करके आप इस पूरे एलिप्स के ऊपर ढेर सारे पॉइंट निकाल सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत साल पहले आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछी गई थी इस एलिप्स की, है ना। इक्वेशन बताइए क्या होगी जिस पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन बताई जाती है। तो हमसे खैर इतना नहीं पूछेगा, इतना तो रहम करेगा, है ना। बस ये है कि नाम पूछ सकता है बाई चांस कि क्या है, सर्किल लगा कि एलिप्स होगा। तो साफ साफ दिख रहा है इधर आर बाई थ्री, इधर क्या है आर है, तो सर्किल तो नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस है तो क्या होगा? सर्किल। और एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम तो क्या है? एलिप्स बन सकता है, सर्किल नहीं बन सकता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो पोटेंशियल जो है एक से ज़्यादा पॉइंट पर ज़ीरो हो सकता है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, याद रहेगा। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आ रहा समझ में? पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो अब बताइए, समझ में आया कि नहीं आया सबको? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन था जहाँ पर जीरो पोटेंशियल निकालने वाला था। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक स्क्वायर बना हुआ है और इस स्क्वायर में क्या है? चार्जेस रखे हैं। पहला कैसा रखा है? हैं, प्लस में कि माइनस? हाँ, तो ये आपका प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, ऐसे रखे हुए हैं। बनाइए, एक स्क्वायर है, हो गया ये आपका q है, ये माइनस q है। अब ये पूछ रहे हैं कि बताइए सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा। स्क्वायर का जो सेंटर है, स्क्वायर का जो सेंटर है वहाँ पर पोटेंशियल पूछ रहा है वो क्या हो। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। तो बहुत सिंपल सी बात जो समझ में आ रही, जीरो आएगा।
ये कितना है x मान लो, ये x मान लो, ये x मान लो, ये x। इधर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ से कितनी, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से कितनी, नेगेटिव चार्ज है यहाँ से कितनी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर तरफ से बराबर डिस्टेंस है कि नहीं, बोलो हर तरफ से क्या है, बराबर डिस्टेंस है कि नहीं, हर तरफ से इक्वल डिस्टेंस आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो इसका मतलब है कि दो प्लस में आएंगे, दो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। इसका वाला पोटेंशियल कैसा होगा, प्लस। इसका वाला कैसा होगा, इसका वाला माइनस है ना, इसका भी माइनस, इसका भी कैसा, तो दो प्लस हो गए, दो क्या हो गए, माइनस नहीं हो गए भाई। पहले वाले का पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू अपॉन एक्स, दूसरे वाले का कितना, माइनस के क्यू अपॉन एक्स, तीसरे वाले का प्लस के क्यू अपॉन एक्स, चौथे वाले का माइनस के क्यू अपॉन एक्स। सबको अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, याद रहेगा कि नहीं। लेकिन आपको क्या लग रहा होगा, ये क्वेश्चन इतना आसान कराने के लिए मैंने दिया है, नहीं, समझाने के लिए दिया है कि पोटेंशियल कब जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होता है। देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें सेंटर पर, तो क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है इसका फील्ड कहाँ जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, क्यों, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है इसका फील्ड ये वाला हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है इसका फील्ड ये वाला हुआ, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। अब ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है इसका फील्ड इधर हुआ, ये आपका नेगेटिव चार्ज है इसका फील्ड इधर हुआ, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, तो नेट फील्ड क्या हुआ, बताओ भाई, सही है। तो अगर आमने सामने, आमने सामने वाले कॉर्नर पर एक जैसे चार्ज रखे हों तो नेट फील्ड क्या होता है, याद रहेगा, नेट फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। पोटेंशियल ज़ीरो कब होगा और फील्ड कब ज़ीरो होगा, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। फील्ड भी ज़ीरो है इसमें और पोटेंशियल भी क्या है, सेंटर पर फील्ड भी क्या है, सेंटर पर पोटेंशियल भी क्या है, इतना समझ में आ रहा है यहाँ तक कि नहीं आ रहा है। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन में क्या होता, हम थोड़ा सा पोजीशन बदल देते, प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, अगर हम यहाँ पोजीशन बदल देते, ध्यान से समझो, अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल के और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, अब हमने पोजीशन बदल दी, ये प्लस प्लस इधर हैं, दोनों माइनस इधर हैं, अब दोबारा हमने पूछ लिया कि बताओ भाई इसके सेंटर पर क्या हाल है ना, तो आप कहेंगे बड़ा बुरा हाल है ना, नया वायरस भी सुना आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, डरना नहीं, ठीक है ना, इसलिए ना डरना, दो बातें है ना, पहली बात तो ये है कि अपने यहाँ ऑलरेडी बहुत भीषण लहर आ चुकी है, तो हम सबके अंदर एंटीबॉडी आ चुकी है, पता भले ना चला हो, एवरीवन हैज़ बीन इन्फेक्टेड, सही बात है ना, एक बात। दूसरी बात ये है कि लगभग सबको वैक्सीन भी लग चुकी है, जो थोड़ा बहुत बचे हैं वो भी 15-20 दिन में निपटा दिए जाएंगे, क्लियर हो रहा है कि नहीं, स्ट्रांग नहीं है, तेज फैलता है, स्ट्रांग नहीं है, डेल्टा से कम स्ट्रांग है, फैलता तेज है। अभी स्ट्रांग के बारे में इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी उसकी डेथ रेट वगैरह रेशियो नहीं पता है, डाटा के बगैर कोई बात नहीं होती। तेज फैलने का मतलब होता है कि जल्दी फैलता है, और कोई रीज़न नहीं, वो दो महीने में पीक पहुँचा था, ये कहीं पहुँच जाएगा, मतलब ये है। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका रीज़न क्या, मीडिया और मेडिकल इंडस्ट्री ये चाहती है कि बीमारी ख़त्म ना हो। अरे भैया धंधा चल रहा है, धंधा चल रहा है तो क्यों चाहेगी, आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी चीज़, आप जिस एज ग्रुप के हैं वैसे ही आपको पता भी नहीं चलेगा, सर्दी जुकाम बुखार होगा, निपट जाएगा, काम खत्म, रिलैक्स, घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, ठीक है ना। प्रॉब्लम आती है अपनी एज ग्रुप वाले जो लोग होते हैं, उधर वाले थोड़ा डरे तो समझ में आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, गूगल पे पूरा कायदे से कल स्टडी कर रहे थे, दैनिक जागरण में भी पूरा डिटेल लिखा था कि जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने कहा है कि जो वो है क्या कहते हैं, डेंजरस है ये, उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं या डबल वैक्सीनेटेड हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है, उनको तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, होगा अगर आया तो, लेकिन उसमें कोई ऐसा लॉस नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है, मेन चीज़ वैक्सीनेशन है। अफ्रीका में क्यों दिक्कत है, वहाँ वैक्सीनेशन बहुत कम है, बहुत कम वैक्सीनेशन है वहाँ, समझ में आ रहा है। बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ में तुम लोगों को लगता होगा बड़े डेवलप्ड हैं, समझदार हैं, कहीं समझदार नहीं है। अमेरिका में वैक्सीन लगवाने के लिए, प्रेरित करने के लिए बियर बांटी जा रही है,
बियर सच्ची घटना बता रहे हैं। आपको लग रहा हो मजाक, अमेरिका में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, इतने अनपढ़ लोग हैं, हमारे यहाँ भी हैं ऐसे। सेकंड जो डोज है, 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज लगा के गायब हैं, उनको ढूंढा जा रहा है कि भैया घर घर ढूंढ के लगाओ, लगा दो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ फिर भी गनीमत है, बियर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हालांकि लगा दे तो हो सकता कई लोग बिना उसके लगवाए आएँ, 2 लगवाई हो, तीसरी भी लगवाए, लगा तो क्या दिक्कत है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोग लगवा नहीं रहे हैं। कंट्रीज़ बहुत सारे ऐसे हैं, यूरोप वगैरह में तो लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, वहाँ मना कर दिया जाए। जैसे अपने यहाँ बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन लगता है सब चुपचाप बैठ जाते हैं। यूरोप में जर्मनी वगैरह पता नहीं किसका, एक दिन मैं देख रहा था, वहाँ लॉकडाउन के बारे में मेयर ने बोला तो लोग विरोध प्रदर्शन कर लगे, नहीं हमें लॉकडाउन नहीं करना, रहने दो, हमें अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली क्या है कि वो दूसरे टाइप के वो लोग हैं, वो हम अब समझ में आ गया, फर्जी बने रहते थे डेवलप्ड है ना। तीसरी चीज़, अपने को अब डरने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं कि सेकंड वाली जो वेव आई थी उसके पहले अपने यहाँ पूरा अरेंजमेंट ही नहीं था, ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ों की पता ही नहीं था कि हो सकता है ज़रूरत। अब सबको चाक चौबंद, सबको आपको चाहिए थोड़ी ऑक्सीजन, वहाँ तो पूरा सिलेंडर धरा है। अब बताओ, सारे लगभग बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट भी लग गए हैं, हमारे तो बगल में एक हॉस्पिटल है कौन है लोग बंधु करके, तो वहाँ भी लग गया ऑक्सीजन प्लांट, ले भाई साहब जितनी लेनी लेती रहो, ठीक ना। सिलेंडर भी जलाना तो अपना भर के ले जाओ अलग से, मैं एक बात बता रहा हूँ। तो अब व्यवस्था की कोई कमी नहीं, तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रिकॉशन तो जो नॉर्मल सब लोग ले ही रहे हैं, हमने देखा है लगभग हर आदमी मास्क लगा के चलता है, भाई बाहर तो लग चलते ही हैं, क्लास में बैठे भले ही लगाए हों, बाहर जब जाते हैं तो मैंने तो बहुत रेयर देखा कि वो टाइप का ही होगा, उन्हें तुरंत क्यों मास्क लगा लेते हैं। तो लगाना चाहिए, प्रिकॉशन लेते रहिए, 2-4-10 साल तो लगेगा ही अभी वीक होने में है ना। भाई वायरस है, आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एक बार सिस्टम में आ गया उसका अपना खुद का कुछ तो होता नहीं है, वो तो जिसको देखेगा वैसा बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है भाई, एक स्ट्रैंड उसके पास है, दूसरा स्ट्रैंड जैसा देखेगा वैसे कॉपी कर लेगा वो। ये तो होती है मैकेनिज्म जो हमने थोड़ा बहुत जानते हैं भाई, हमने तो सुनी है, आपने पढ़ी है, हमने सुनी है, जैसे फिजिक्स हमने पढ़ी है आपने सुनी है, नहीं सही है, वैसे बायोलॉजी तुम लोगों ने पढ़ी है हमने सुनी है। यहाँ भाई ऐसा होता है, आरएनए में एक होता है, डीएनए में 2 होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसको देख के दूसरा कॉपी होता है, ये तो होता है कि नहीं होता है? अब जिसके अंदर गया उसका जैसा जीनोम होगा वैसा वो निकल के वेरिएंट आएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, वेरिएंट तो ढेरों आते रहेंगे, ठीक है ना। डरने से क्या होगा, आपका पैनिक फैलेगा, बॉडी की इम्यूनिटी इससे भी कम होती है, जब आप नर्वस होते हैं तो इम्यूनिटी वीक होती है, जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? वो बॉडी का भाई हार्मोन सेक्रीशन क्या होता है, ब्रेन से होता है, ब्रेन क्या होता है कंट्रोल करता है, और ब्रेन ने को आपने समझा दिया कि नहीं कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होता है, और ब्रेन नहीं समझा तो भाई बिल्कुल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो थोड़ा बहुत लेवल तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है थोड़ा बहुत। अब मान लो एक्चुअल बीमारी हो ही गई, अब आप उसमें लाख सोचते रहो कि कुछ नहीं होता, लेकिन तब भी निपट सकता है आदमी, क्यों? क्योंकि भाई बीमारी तो बीमारी है, वो तो हो गई तो हो गई, वो लंग्स तक पहुँच गई, तब आप कुछ नहीं कर सकते हो, प्राइमरी लेवल पर आप कर सकते हो। तो डरने की ज़रूरत नहीं है पहली बात, दूसरी बात मीडिया में कम से कम देखी चीज़ें है ना, और आपको एग्जैक्ट डाटा जो आपको बताएं, कल का डिक्रीज हुआ है अपने यहाँ केसेस का, बढ़ा नहीं है, और पूरे यूपी में केवल 9 केसेस हैं, इतने बड़े यूपी 35 करोड़ पॉपुलेशन में केवल 9 केसेस हैं, और अभी आप चैनल कोई खोल के बैठ जाओ कहता लॉकडाउन होने वाला है, केसेस बढ़ रहे हैं। अब भाई साहब 9 केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सही बात है भाई, मज़ेदार आदमी है, ठीक है ना। इतना बेवकूफ़ आदमी तो मीडिया है, उसको बेचना है, और मेडिकल फील्ड वाले तैयार बैठे हैं, आ जाए, नहीं समझ में आ रहा, आ जाए। जो हॉस्पिटल वाले हैं वो तो रोज़ अगरबत्ती चढ़ाते होंगे, आया नहीं अभी तक, कह तो रहे थे है ना, कह तो रहे थे आएगा, भाई सीधी सी बात है, वो सोच रहे हैं कि आ जाए तो 1-2 करोड़ इस बार भी अंदर हो जाए, पिछली बार कुछ कमा लिए थे है ना। समझ में आ रहा कि नहीं? लोगों ने 70-70 लाख का 80-80 लाख का बिल बनाया भैया, हमारे पड़ोस में एक इंजीनियर साहब थे 20-21 दिन भर्ती रहे थे, उनका बिल 65 लाख का था, 65 लाख का, यही हॉस्पिटल चंदन हॉस्पिटल का 65 लाख का बिल। तो आप बताओ अल्टीमेटली दवा तुम्हारे पास कोई थी नहीं, सिर्फ तुमने रूम में आइसोलेट किया, वेंटिलेटर की व्यवस्था करा दी, 65 लाख रुपए वसूल लिए, आदमी तब भी मर गया भाई, बचना था ही नहीं उसको, शुगर का पेशेंट था बंदा, तो बचना था ही नहीं बेचारे को। लेकिन एक बात बता रहे हैं, 65 लाख का तब आपने मरने के बाद ही बिल ले लिया, तो हॉस्पिटल वाले तो वेट कर रहे हैं, आए आया क्यों नहीं, वो तो कह रहे 4-5 एक साथ आ जाएँ, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पर वेटिंग में आ जाए, क्लियर है वो लोग तो भाई अपना वो है। तो कुल मिलाकर के ठीक है ना, हम ही लोग ऐसे हैं, टीचर और पेरेंट्स दो ही ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं बच्चे स्वस्थ रहें, हम भी चाहते हैं बच्चे स्वस्थ रहें, कोई बीमार होता है पता चलता है यार अरे क्यों, अब पढ़ेगा नहीं छूट जाएगा, हमें तो कराना पड़ेगा भाई, 4 दिन बाद कोई बच्चा आ गया सर मेरा ये चैप्टर छूट गया तो क्या कहेंगे, भगा देंगे उसको,
अरे नहीं भैया बैठो कराएंगे, क्या करें, मना थोड़ा कर देंगे भाई, ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं कराएंगे। तो हम लोग तो चाहते हैं कि कोई बीमार ना हो, क्यों, बीमार होगा तो लोड हमारा बढ़ेगा, कराना हम ही को पड़ेगा। फिजिक्स सब्जेक्ट हम ये भी नहीं कह सकते पढ़ लेना जो ना बने पूछ लेना, क्योंकि वो पढ़ेगा ही नहीं। जैसे ही हमने बोला पढ़ लेना पूछ लेना, इसका मतलब 200% नहीं आएगा, है ना। अब वो समझ गया कि सर बताना नहीं चाहते, इसलिए जो है ये तरीका ठीक नहीं होता है, जिसका मैं इशारा भी कर रहा हूँ। जिसका छूट गया हो तो पूछ सकता है, आकर के पढ़ ले पूरा, ठीक है ना। मैंने बोला है आपको कि छूट जाए तो आकर के क्लास के बाद घंटे भर डेढ़ घंटे जो टाइम लगे कर लिया करो। कुछ लोग जो है ना कहते हैं अरे ठीक है छूट गया छूट गया, फ़ोटो खींची बगल वाले की कॉपी से काम खत्म हो गया, क्यों, ये सब ना किया करो, आकर के पूछ लिया करो, पढ़ लिया, नुकसान तुम्हारा है, हमारा कोई व्यक्तिगत खास नुकसान नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा था फील्ड जीरो कब होगा और पोटेंशियल ज़ीरो कब होगा। पोटेंशियल ज़ीरो तब होता है जब सारे चार्जेस का सम क्या होता है, ज़ीरो, याद रहेगा। और फील्ड जीरो कब होता है, जब आमने सामने वाले कॉर्नर पर कैसे चार्ज रखे हों सेम, याद रहेगा। अब जैसे इस वाले में देखो, ये पॉजिटिव वाले का फील्ड इधर होगा, निगेटिव वाले का इधर होगा, ये पॉजिटिव वाला है इसका फील्ड इधर होगा, निगेटिव वाले का इधर होगा, और दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्यों भाई, एक आपका फील्ड ये हो गया, एक फील्ड आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, क्यों, और दोनों का रिजल्टेंट इधर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों का रिजल्टेंट फील्ड इधर आ गया, हो गया। अब यहाँ आप देखिए कि नेट फील्ड जीरो नहीं है लेकिन पोटेंशियल अभी भी ज़ीरो होगा, होगा, तो यहाँ पर फील्ड ज़ीरो नहीं है और पोटेंशियल ज़ीरो है। तो क्या समझ में आया, ज़रूरी नहीं कि दोनों एक साथ ज़ीरो हों, बोलो, ज़रूरी नहीं कि दोनों एक साथ ज़ीरो, ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल ज़ीरो हो गया तो फील्ड भी ज़ीरो होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा, ऐसा नहीं है। बना ली, दूसरा डायग्राम भी बना लीजिएगा। ठीक है, ये हो, कब ज़ीरो होता है कब नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तब होता है जब आमने सामने वाले कॉर्नर्स पर एक जैसे चार्ज जीरो रखे हों, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कब होता है, जब अपोजिट कॉर्नर्स पर सिमिलर चार्जेस रखे हों, ठीक, सिमिलर चार्जेस रखे हों, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ज़ीरो कब होता है, जब सारे चार्जेस का सम ज़ीरो होता है, जब सारे चार्जेस का सम ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, ये हो, जब सारे चार्जेस का सम ज़ीरो होगा, चार्जेस का सम ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कब होगा, अब ये बात हम कब की कर रहे हैं बेटा, रेगुलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी हो, कोई गन हो, बस क्या हो, है ना, कैसी हो, रेगुलर हो। रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड्स जो हैं एक जैसी, आ रहा बेटिया समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये आपका पूरा हो गया, अब उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, आइए लिख लिया, मिटा दें, नेक्स्ट।
बात मत करो। आइए, एक लाइन दी हुई है और उस लाइन पर चार्जेस रखे हैं, एक यहाँ क्यों रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, ये एल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। अब इन्होंने कहा है कि जो सी वाला चार्ज है इसको सर्कुलर पाथ में ले जा करके हमने डी पर रख दिया है। ये कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ है। ये कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ। इस वाले पॉइंट को हमने ले जा करके वहाँ पे रख दिया चार्ज को। ठीक, सी वाले जो है यहाँ से ले जा करके, ये वाला पॉइंट सी है, और इसको उठा करके डी में रख दिया। पाथ सर्कुलर है, इसका मतलब अगर ये एल है तो ये भी हमारा क्या हो गया? एल हो जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा बोलो? एल हो जाएगा। इधर भी एल है, इधर भी एल है। अब दोनों साइड हमारा एल हो जाएगा। पूछ रहा है कि बताइए वर्क डन कितना होगा। ही इज़ आस्किंग द वैल्यू ऑफ वर्क डन। इस प्रोसेस में वर्क डन पूछ रहा है कितना होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है ना, वर्क डन की जो वैल्यू है वो पूछ रहा है। अब इसमें फॉर्मूला क्या होगा? W बराबर है Q डेल्टा V। W बराबर है Q डेल्टा V, ये फॉर्मूला है। W हमारा Q डेल्टा V के बराबर है। अब यहाँ पर जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं, है ना, जिस चार्ज को हम लोग मूव करा रहे हैं वो कौन सा वाला है? जिस चार्ज को हम मूव कराएंगे वो Q वाला है। अब इसको उठा करके यहाँ ले जा रहे हैं, क्लियर है, इस चार्ज को ले जा करके यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो कैपिटल क्यू आ जाएगा, क्यों? इसको मूव करा रहे हो ना, तो ये हो गया। और डेल्टा वी मतलब होता है फाइनल माइनस, तो फाइनल वाइट पॉइंट क्या है? डी। और इनिशियल वाला पॉइंट क्या है? सी क्यू। और वी डी माइनस क्या है बोलो? वी सी है कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यू और क्या है ये? वी डी माइनस वी सी हो गया कि नहीं हो गया? तो W है ना, यहाँ से W बराबर क्या हो गया? Q। और वी डी माइनस क्या हो गया बोलो? वी सी हो गया कि नहीं हो गया? है वी डी माइनस वी सी हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वर्क डन बराबर हो गया Q और वी डी माइनस वी सी हुआ कि नहीं हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, इतना सा काम करना। आपको काम इतना करना है, D वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, सी वाले का निकालना है, माइनस कर देना है। क्यों? किसका निकालना है? डी वाले का। और फिर किसका निकालना है? सी वाले का, माइनस कर देना है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? डी वाले का निकालना है, सी वाले का निकालना है और माइनस कर देना है, ये काम है। अब आ जाओ, डी वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा भाई? डी वाले पॉइंट का देखो, जो चार्ज मूव कर रहे हैं उसको मत गिनिएगा। इस वाले चार्ज से कितना दूर है ये? L। और यहाँ से कितना दूर है ये? 3 है, है कि नहीं? कौन कौन पोटेंशियल यहाँ डेवलप करेंगे? ये वाला Q करेगा, ये वाला Q करेगा, और जो ये बीच में रखा है ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये तो मूव हो रहा है, ये तो बाद में मल्टीप्लाई हो ही रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? ये तो मल्टीप्लाई बाद में होगा ना, इसकी चिंता मत करो। अब ये देखो, यहाँ से कितना दूर है ये? एल। तो के क्यू अपॉन एल प्लस यहाँ से कितना दूर है, याद रहेगा, तो के क्यू अपॉन 3L ऐड कर लो तो 4/3 और के क्यू अपॉन एल। ये किसका पोटेंशियल है बताओ? डी वाले पॉइंट का है। बोलो ये किसका पोटेंशियल है? डी वाले पॉइंट का पोटेंशियल है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? डी वाले पॉइंट का पोटेंशियल है, ये हो गया। नोट करिए,
हो गया 4/3 के क्यू अपॉन एल। डी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो कौन कौन डेवलप करेगा, हैं? इसने डेवलप किया और इस वाले ने भी तो डेवलप किया है, दोनों ने डेवलप किया है। देखो जितने लोग होते हैं सब कंट्रीब्यूट करते हैं, नहीं समझ में आ रहा? ऐसा नहीं कि इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना पड़ोस में ही है तो यही वर्क करेगा, नहीं, वो तो दूर से वहाँ से भी आएगा गिफ्ट। शादी का सीज़न है ना, इसलिए हमने कहा गिफ्ट वर्ड यूज़ कर लें, ज़्यादा फीलिंग आएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है एल, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है 3L, तो 4/3 के क्यू अपॉन क्या हो गया L। अब आ जाओ सी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं, सी वाला जो पॉइंट है इधर से भी L है इधर से भी क्या है, तो ये आ जाएगा 2K क्यू अपॉन कितना होगा L, आएगा कि नहीं आएगा, क्यों दोनों साइड से क्या हो जाएगा L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों साइड से L होगा। अब आप यहाँ से क्या करो, माइनस कर लो, रख दो इसमें डेल्टा भी पहले निकाल लो, डेल्टा वी आया के है ना, और क्यू अपॉन एल बाहर है, 4/3 माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा, क्यों 4/3 माइनस 2 आएगा। अब यहाँ से क्या मिल गया बच्चा, ये मिल गया के क्यू अपॉन एल, और माइनस 2/3 आएगा कि नहीं आएगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला निकाल दो, तो क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस 2/3 के और क्यू स्क्वायर अपॉन एल। नोट कर लो आंसर आगे, ये वैल्यू ठीक आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में, शायद IIT में आया था। बहुत ही सिंपल आसान बच्चों वाला फॉर्मूला, W बराबर Q डेल्टा V, इतना ही लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। माइनस 2/3 के क्यू स्क्वायर अपॉन L। नोट किया, मिटा दें। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 40 है, ए है बी है सी है, यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम है, 2 माइक्रो कूलम है, 1 माइक्रो कूलम ये दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि जो ए वाला पॉइंट है यहाँ से ये 1 कूलम का चार्ज है और ये सर्कुलर पाथ में आ रहा है, कैसे आ रहा है बोलो, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये पॉइंट कैसा है, हैं डी है, ये सर्किल में चल रहा है, किस में चल रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस में चल रहा है बताओ, सर्किल में चल रहा है। अब ये पूछ रहा है वर्क डन बताइए कितना होगा, कौन चार्ज मूव कर रहा है बोलो, 1 माइक्रो कूलम, कौन सा वाला चार्ज है 1 माइक्रो कूलम है ना, और कहाँ जा रहा है वो मूव करके डी वाले पॉइंट पर, क्यों कहाँ जा रहा है, पाथ कैसा सर्कुलर का मतलब हर बार रेडियस कितनी 40, ये भी तो 40 आएगा कि नहीं आएगा। देखो सर्कुलर का मतलब है कि जिस पॉइंट के अबाउट सर्किल है वो,
अब देखो यहाँ से अगर सर्कुलर बोला गया तो सीधी सी बात है, बी वाले पॉइंट को सेंटर लेना पड़ेगा, लेकर के कहाँ मूव कराना है, डी वाले पे। अब ये पूछ रहा वर्क डन बताओ कितना होगा, सेम फार्मूला है कि नहीं, चलिए जुड़ जाइए, सेम फार्मूला यहाँ भी लगना है, तो W बराबर है Q डेल्टा V, ठीक है। अब ये क्या आया, Q और डेल्टा V, ये आएगा D माइनस और ये आ जाएगा A, ये आएगा Q और VD माइनस V, ये आपका फाइनल पॉइंट है और ये आपका इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट वी डी माइनस वी ए। हो गया, अब डी वाले पॉइंट का निकाल लो। देखो ये वाली डिस्टेंस 40 है, ये 30 और ये वाली क्या होगी 50 आ जाएगी, क्यों आ जाएगी। अब यहाँ क्या करोगे, डी वाले पॉइंट पे आ जाओ, डी वाले पॉइंट पर क्या होगा, डी वाले पॉइंट पर आएगा तो ये देखो 2 माइक्रो कूलम है यहाँ से कितना 40, 1 माइक्रो कूलम है यहाँ से कितना होगा ये 10, कितना होगा ये 10, ये कितना होगा 30। आ रहा समझ में कि नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे बताइए, वी डी निकालेंगे तो K और कितना होगा, ये यहाँ से 1 माइक्रो कूलम है तो 1 माइक्रो कूलम अपॉन 0.1 आएगा कि नहीं आएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ 0.1 आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से कितना दूर है ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है बताओ 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 1 माइक्रो कूलम है यहाँ से 10 है तो K और 1 माइक्रो कूलम अपॉन 0.1, क्यों मीटर में कर लो ना, सेंटीमीटर से किस में कर लो मीटर में। और ये देखो ये 2 वाला जो माइक्रो कूलम है यहाँ से कितना दूर है ये 40, तो ये आएगा K और 2 माइक्रो कूलम अपॉन कितना होगा 0.4 आएगा कि नहीं आएगा। अभी ऐसे ही लिखा रहे हैं तो सॉल्व मत करना, समझ में आया कि नहीं आया। फिर से देखो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है ये 1 माइक्रो कूलम से, बोलो 10, यहाँ से कितना दूर है ये, बोलो यहाँ से 40 है, कितना दूर है यहाँ से 40 है, तो कितना हो गया भाई, यही तो वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आ गया। अब आइए उसके बाद V जो आपका है कौन सा वाला है, A वाला निकालते हैं, A वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। अब A वाले का निकालेंगे तो ये देखो यहाँ से कितना दूर है ये 40 और यहाँ से कितना दूर है ये 50 है कि नहीं, यही तो होगा कि नहीं होगा। ये कितना आ जाएगा K और 1 माइक्रो कूलम से ये 50 सेंटीमीटर है 0.5 और 2 माइक्रो कूलम से कितना दूर है ये है 40 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से देख लो इस वाले से कितना दूर है ये 40 और इस वाले से कितना दूर है ये 50, आ रहा कि नहीं आ रहा। अब दोनों को क्या करोगे भाई लोग, माइनस माइनस, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, तभी तो मैंने मना किया था सॉल्व मत करो कैंसिल हो जाएगा, अभी हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से क्या करोगे, वी डी माइनस वी ए क्या मिलेगा, के बार ले लो, के बार लोगे तो 9 × 10⁻⁹, क्यों और माइक्रो कूलम है 10⁻⁶ बाहर आएगा, 1/0.1 माइनस 1/0.5 आएगा कि नहीं, क्यों 1/0.1 माइनस 1/0.5 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ तक समझ में आया। अब ये देखो ये कितना मिला भाई, 9 × 10³ मिला,
यहाँ क्या होगा, डेसिमल हटाओ तो 10 अपॉन 1 माइनस 10 अपॉन 5, क्यों, ये आएगा 2, 10 माइनस 2 होता है 8, 8 9 जा 72, 10 टू दी पावर 3, इतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, लिख लो पहले आराम से, इतना लिखो, ठीक है, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं, समझ के लिखो। ठीक है, डेल्टा भी आया, अब W का फॉर्मूला क्यू डेल्टा भी लगा दीजिए, जिस चार्ज को मूव कराया जाता है इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात खत्म, ठीक है, जिस चार्ज को मूव कराएंगे उसको लास्ट में जाकर के क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले आराम से डेल्टा भी लिख लो, डेल्टा भी की जो वैल्यू है वो 72 × 10³ है, अब इसको 1 माइक्रो कूलम से कर दो, माइनस 6, और ये आएगा कितना, 72 × 10³, तो ये आएगा 72 × 10⁻³ जूल, तो 72 मिली जूल, ये वर्क डन है, समझ में आ रहा है, ये हमारा 72 मिली जूल, 72 मिली जूल, हो गया, W बराबर है 72 मिली जूल, अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, तरीका, अब देखो दो फॉर्मूले अभी तक सीखे हम लोगों ने, एक आपका के क्यू अपॉन आर पॉइंट चार्ज वाला, और दूसरा कौन सा सीखा, W बराबर क्यू डेल्टा बी वाला सीखा है, उसको मत करना, ठीक है, दो चार बार करके देख लेना, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका नीट में भी आया हुआ है ना, जिसमें Q1 Q2 करके रखा हुआ है, आंसर उसका 8Q2 आ रहा है, देख लेना जा करके, देख अपन तो रटते हैं तो उस लेवल का रटते हैं कि नहीं, ठीक है कि आपको जो है, यही तो कहता हूँ कि आप अगर याद करो तो इस लेवल का याद करो कि समस्या ही ना आए, याद करो तो इस लेवल का, बढ़िया से नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको ऐसे रटे होने चाहिए, 2014 में सर ये आया था, 15 में आया था, 16 में आया था, 17 में आया था, मतलब रटो तो फिर ऐसे ही याद करो, समझ लिया, अब एक बार समझने के बाद आप कितना समझोगे, बहुत सारे लोग सर समझ लेते हैं, कितना समझोगे भैया, तो समझने की सीमा होती है, आप उसको ज़्यादा समझने के चक्कर में मत पड़ो, एक बार समझ लिया बहुत है, समझ में आ रहा है, फिर उसको कायदे से 2-4-10 बार कर लो, कम से कम 10 times कर लो, बात खत्म, याद हो जाएगा, समझ में, खुद आधे मास्टर खुद हो जाओगे, लगाते घुमा करोगे, अच्छा देखो इसका आंसर ये, मोहल्ले वर को फ्रस्ट्रेट कराओगे कि नहीं कराओगे, हॉस्टल में गए पड़ोस में कोई कर रहा है, देखो इसका आंसर ये आएगा, भाई साहब करना बंद कर देगा, यहाँ तुमने सीधे आंसर बताया, भाई देखो मैं तुमको बता देता हूँ उसके ये आंसर आ जाओ, तुमको लगता चलो सर टीचर है सर को आता है, लेकिन अगर तुम्हारा साथी ही कोई आकर तो सीधे बोल दे ये आंसर आएगा इसका, आदमी फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, एक दिन नहीं आएगा दूसरे दिन आ जाएगा, एक कॉम्पिटिटर आपका कम हो गया, नहीं समझ में आ रहा, एक कॉम्पिटिटर को तुमने ऐसे निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया, ये भी तो एक तरीका होता है, कोई ज़रूरी थोड़ा होता है कि एग्ज़ाम का वेट करो, भाई धीरे धीरे जितने कॉम्पिटिटर आसपास दिख रहे हैं उनको निपटाओ, भाई इतने तो कम होंगे, ये भी तो कॉम्पिटिटर हैं, क्या एग्ज़ाम नहीं देंगे, भाई ये भी तो एग्ज़ाम देंगे, और अगर ये भी एग्ज़ाम देंगे तो इनसे भी तो फाइट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो सकता है बगल वाले के साथ ही मार्क्स क्लैश हो, उसका हो जाए मेरा ना हो, क्लियर है कि नहीं, इसलिए कॉम्पिटिटर अभी से निपटाओ, धीरे धीरे करके है ना, धीरे धीरे निपटाते जाओ, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो अपना बढ़ता जाए, है ना, ऐसा कुछ सोचो, हालांकि ध्यान रखना आगे खतरा है, कहीं उल्टा ना हो जाए, उधर वाला कम करा दे, अपना ही कम हो गया, बोरिया बिस्तर बांध के घर चले गए, सर हमको तैयारी नहीं करनी,
ये ना हो जाए, ठीक है। खैर, तो ये आपका एक टॉपिक फिनिश हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो नया टॉपिक कल करते हैं, ठीक है ना। चलिए।